मंगरोन में वार्ड नंबर पूरा जो है 19 है, और ये जो बिजली की समस्या है वो वार्ड नंबर 1 का है, जहां अहिरवार जो दलित है उनका 35 मकान है और पूरे जनसंख्या 250 के करीब है। इस वार्ड नंबर 1 में रहने वाली अहिल्या बाई अहिरवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने मकान में रहती है, जो गरीब परिवार से है, और उन्हें अंधेरे मकानों में दिन में भी टॉर्च लेके या बत्ती लेके अपने अंदर का काम निपटाना पड़ता है। 7-8 महीना हो गया लाइट नहीं देते हैं, बिल पूरा देते हैं, लाइट एक दिन नहीं देते हैं। मीटर कब लगा था आपके? मीटर लगने हो गया 8-9 महीना हो गया मीटर लगा, तो मीटर लगा गए थे, लाइट देने का कहते लाइट कल आएगी, आ जाएगी, आज हमें तुम्हारे यहाँ मीटर लगा दे रहा है। तो हम लोग कह रहे कि मीटर तो भली लगा रहा, लाइट तो आवे हमारे पास, मीटर लगाया है, अब ये कह रहा लाइट आ गई, फिर देखवे तक नहीं आए, तो कोई के पास है तेल, कोई के पास नहीं है तेल, तो अपने किसान टॉर्च है, डिब्बा है, इनसे काम चला रहा है, कि कहीं अपने बिच्छू है तो अपने बच्चों के सब जब पेशाब उठते हैं बाथरूम में तो डिब्बा लेके उठते हैं, तो बच्चों करा ले जाते हैं देवे फिर पर रखते हैं। अहिल्या बाई ही नहीं बल्कि इस बस्ती में रहने वाले 250 लोग और 35 ऐसे मकान हैं जो आज भी अटल ज्योति अभियान के चलते हुए, जो कि 24 घंटे लाइट का प्रावधान है, जिसमें उसका इन सभी लोगों के पास बिल आ रहा है, और जो व्यक्तिगत जिनके पास ट्रांसफार्मर है, जिनके खेतों में लगा है, उनके यहाँ जो 8 घंटे लाइट आती है वो उनके यहाँ है, लेकिन यहाँ के करीब 25 मीटर ऐसे लग चुके हैं इस बस्ती में जो ना चालू हालत में है, और जून जुलाई के लगभग से यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है जो वार्ड नंबर 1 के लिए दलित समुदाय के लिए रखा गया था वो तभी से खराब है। तो आप लोगों ने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई तो की है, अभी आवेदन लिखवा के सचिव के तहत से और वो बिजली दफ्तर को भी गए थे, कमेटी 7-8 लोग, तो वहाँ बोल दिया था उन लोगों ने कि आप पहले बिल भरो, इसके बाद में लाइट मिलेगी। तो आप लोगों के कितने बिल बाकी हैं अभी? अभी तो सारे बिल बाकी हैं, क्योंकि हम लोगों को लाइट नहीं मिलती, इसलिए हम लोग भरते नहीं हैं बिल। देखो मीटर लगा गए हैं, मीटर लगो है ना, लगा दिया ना, कुछ चालू करी नहीं है लाइट, मीटर लगा दो बिल के लिए, चालू मालू कछु नहीं कर रहे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि इस बस्ती में पिछले 7 महीने से जो ट्रांसफार्मर का शिकायत दर्ज इस बिजली ऑफिस में किया गया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर इन लोगों को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है, जबकि अटल ज्योति अभियान के चलते ऐसा नियम में लागू ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इस बिजली का बिल आ रहा है और उन्हें पूरी तरह अदा भी करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों ने ये भी कबूल किया है कि हम आधा भर सकते हैं, लेकिन हमें लाइट तो मिले, बिजली तो मिले, सुविधा तो मिले, और जो नियम एक बार बन चुका है उसमें कभी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है और उन्हें मिलना ही चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं समुदाय के साथ बिजली ऑफिस ब्लॉक बटियागढ़ के अधिकारी जो ठाकरे जी हैं, मैं उनके पास इन्हें लेके जाऊंगी। आप सभी देखने वाले श्रोताओं से मेरी अपील है कि मेरे साथ समुदाय की मदद करें और बदलाव की कोशिश करें, प्रभाव अपना बनाएं, और प्रभाव के लिए जो हमारे ब्लॉक बटियागढ़ के अधिकारी हैं उनका नाम है श्रीमान ठाकरे जी, जिनका फोन नंबर है 94-25-61-38-10। मैं आरती वाल्मीकि ग्राम मंगरोन के वार्ड नंबर 1 से इंडिया अनहट के लिए।